यहाँ आवास कोई प्रधान होता है जीत जाता है, कोई आवास भी नहीं देता है गरीब आदमियों। महंगा क्यों नहीं हुआ? 30 रुपया किलो मटर आता था, आज 70-80 रुपया किलो मटर है। हर चीज का महंगाई बढ़ता है। मिला होता तो चिकन का काम क्यों करती, मुर्गा क्यों काटते? हम भी कभी कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं। क्या नाम, कस्टमर लोग आते हैं, भैया महंगा है, हम मतलब नहीं खरीद पाएंगे, कैसे खरीदेंगे? नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। हम इस वक्त चुनावी माहौल को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, कितना विकास किन सरकारों ने किया और किन पार्टियों का मैनिफेस्टो, यानी कि उनका जो न्याय पत्र है, जो पत्र है वो कितना अच्छा लग रहा है, घोषणा पत्र है वो कितना अच्छा लग रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसी कड़ी में हरैया सतघरवा इलाके में पहुंचे हैं और हरैया सतघरवा जो है वो तुलसीपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। ये एक बाजार है सामान्य सा, जहाँ पर हम चल चल कर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 सालों में उनकी जिंदगी कितनी बदली, वो आम चुनाव में इस बार किसे अपना नेता चुनने वाले हैं। तो सबसे पहले एक दादा ये बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? अंगद। अंगद भाई बताइए, क्या करते हैं आप? मजदूरी मेहनत करते हैं। मजदूरी मेहनत करते हैं, जिंदगी कुछ बदली? क्या बदली, कुछ नहीं बदली। 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, 10 साल से मोदी जी गवर्नमेंट में हैं, आपने तो पटका भी उन्हीं वाले पार्टी के कलर का पहन रखा है। पटका पहन के तो रखे हैं, कोई गरीबों का कोई सुनवाई नहीं है। काहे भाई, राशन मिल रहा है, 2000 रुपए मिल रहे हैं, इतना कुछ मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। आपको नहीं मिल रहा है? काहे, आप हमें कुछ नहीं, खाली राशन भर पाते है और कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ आवास कोई प्रधान होता है जीत जाता है, कोई आवास भी नहीं देता है गरीब आदमियों को। आदमी को आवास भी नहीं देते हैं? प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हमने जो है 2024-25 तक जो है सारे छप्परों को हटा देना है। गरीब आदमी का कोई आवास नहीं है हरैया गांव में। सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। जिंदगी बदली कुछ की नहीं बदली 10 सालों से मोदी सरकार के शासनकाल में? त्याके बदली, हमारा तो कुछ नहीं बदली, गरीबों आदमी का कोई सुनवाई नहीं है। मतलब आपको अगर मान लिया जाए कि आप इस सिस्टम में सबसे अंतिम पायदान पर खड़े आदमी हैं, अंतिम पंक्ति में सबसे अंतिम आदमी हैं, तो आपकी जिंदगी नहीं बदल सकी, आपके कहने का मतलब ये है? कहने का मतलब यही है। कहका चुनबा है, लेकिन ए बाजी आपसे देखा जाए फिर अभी। मोदी जी के गारंटी बढ़िया लागत है या अखिलेश के गारंटी बढ़िया लागत है? चाहे जाके कोई हमारा हाथ जोड़ते थोड़ा ही आई, गरीब आदमी मजूरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या? तो तमाम चीजें तो हो रही हैं भाई, आप लोग इतना निराश क्यों होते हैं? हो रहे त्याके तो हो रहे, गरीबों का सुनवाई नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं हम गरीबी मिटा देंगे, बिल्कुल। तो गरीबी किसका मिटाते हैं, खाली बड़े आदमियों को मिटाते हैं। बड़े आदमियों का आपको कैसे पता चल गया भाई? गरीबों का कोई नहीं, आपके गांव में कोई बड़ा आदमी है उसकी गरीबी मिटाई उन्होंने? गरीबों का कोई सुनवाई नहीं होता है। ये एक भाई साहब है, यहाँ पे दुकान लगाते हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या नाम है आपका? मसूद आलम। मसूद भाई कितने साल से दुकान कर रहे हैं आप? हम तो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, 10-10 साल हो गए, 10-12। कितनी जिंदगी बदली आपकी? कुछ नहीं, जैसा रहा तैसे पहले है वैसे अभी है। महंगाई का असर कर रही है कुछ? महंगाई है। कितना असर करती है महंगाई? अब कितना बता दें, कितना असर है महंगाई, महंगाई सब सामान महंगा है। सीताराम भाई क्या करते हैं आप? छोटा मोटा बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है बताइए? दवा खाना। जी, GST जब लागू हुआ तो आप लोगों को बहुत आशा रही होगी कि जिंदगी बदलेगी, तमाम चीजें बदल जाएंगी, बिजनेस आसान हो जाएगा। बिजनेस आसान हुआ या और कठिन हो गया? बिजनेस तो न आसान है न कठिन है, अपने हिसाब से काम किया जाए तो कोई कठिन नहीं है। जी, मोदी सरकार 10 साल से है जी, मोदी सरकार ने कितनी जिंदगी बदली आप लोगों? वैसे तो 25%। क्या क्या आसान हो गया आपके लिए? जैसे रोड के है सुविधा, रोड अच्छी हुई है ये तो सब लोग मानते हैं। वैसे तो ये सब हमारे हिसाब से तो ठीक ठाक चलते हैं। ठीक ठाक चल रहा है सरकार। मोदी सरकार के आपके इलाके में कोई 5 काम हुए हो, बड़े काम जो मोदी गवर्नमेंट के रहते हुए? दद्दन मिश्रा यहाँ से सांसद रहे, राम शिरोमणि वर्मा भी मोदी गवर्नमेंट में ही सांसद रहे, तो कुछ बदलाव हो बड़ा? वैसे तो कोई खास बदलाव नहीं, लेकिन फिलहाल की गड़बड़ भी नहीं है। दद्दन मिश्रा ज्यादा आते थे या राम शिरोमणि वर्मा? वैसे तो दोनों लोग नया होते हैं। दोनों लोग नहीं आते थे? वो अपने कार्यकाल में बराबर नहीं चले फील्ड में, वैसे राम शिरोमणि वर्मा भी नहीं चले हैं।
लोग तो राम शिरोमणि वर्मा को कहते हैं, देखा ही नहीं है आपने? देखा है जी, हम तो नहीं देखा। और ददन मिश्रा को देखा था जी? नहीं। आपने ददन मिश्रा को भी वैसे देखा गया है प्रचार प्रसार में? नहीं नहीं, जैसे कभी आप लोगों के इलाके में आए हो, कभी कोई दुख व्यवधान हो गया, कोई खुशी हुई हो, या कुछ जानने आए हो कि भाई आपकी क्या तकलीफ है, हम क्या संसद में जाके कहे जी? अभी ऐसा तो बात नहीं है, मुलाकात इन चीजों को जानने के लिए कभी नहीं आए जी? नहीं। तो नेता जब जानेगा नहीं कि सीताराम जी को क्या तकलीफ है, तो नेता कैसे जाके संसद में बोलेगा और कैसे उनके दुख दर्द को? उन्हें उनकी यहाँ गुहार लगाई पड़ी तो प्रयास कराई तो आई है। अच्छा ये बताइए आप, नेता बड़ा है या जनता बड़ी है? जनता। तो कौन किसके यहाँ आएगा? जनता, जनता के यहाँ नेता भी आ सकते हैं, जनता भी जा सकते हैं। नहीं नहीं, ज्यादा कौन आएगा ये बताइए, बड़ा कौन है? नेता। नेता बड़ा है? जनता बड़ा है। जनता बड़ा है ना भाई, तो बड़े आदमी के घर जाएगा छोटा आदमी, या छोटा आदमी बड़े आदमी घर जाएगा? उसे बड़े आदमी के घर जाना चाहिए जी। तो जनता के घर नेता को आना चाहिए जी? तो इसका मतलब ये लोग फेल हो गए अपने काम में जी? नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। नहीं नहीं, आप वही बात तो कह रहे हैं भाई, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि मतलब वो नहीं आए आपसे आपका दुख तकलीफ जानने, आपको क्या आवश्यकता है क्या नहीं है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, या पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। नहीं तो इतना तो जानकारी है ना अपने पास। आपके बच्चे हैं जी? क्या बच्चे हैं? तीन। क्या क्या करते हैं? वैसे तो घर पर रहते हैं। कहीं पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही? पढ़ाई तो होते, लेकिन घर पर है, कोई बिजनेस कर नहीं है, खाली रोजगार रोजगार नहीं मिला जी? भी तो नहीं मिला। कितने साल के? एक है 17-18 साल के, 9-10 साल, 13-14 साल। तो पढ़ाई लिखाई में उनके कोई व्यवधान तो नहीं है जी? भी तो कोई व्यवधान नहीं है अभी, कोई व्यवधान जी। आप किसे चुनना चाहते हैं, कौन अच्छा काम करेगा आपके लिए? कौन? तीनों बच्चे में? नहीं, सरकार में कौन अच्छा जी? वैसे तो बीजेपी ठीक ठाक है। बीजेपी ठीक है आपके लिए? क्या नाम है आपका? इधर आइए। क्या नाम है? प्रेम कुमार। प्रेम, कहाँ से आए हो आप? अररिया से। क्या करते हो आप? चाट बेचते हैं, चाट चाउमीन। चाट और चाउमीन बेचते हो? क्या साल से बेच रहे हो? अरे कम से कम बेच रहे 15 साल से। 15 साल से बेच रहे हो। कितनी आसानी हुई छोटे बिजनेस के लोगों को, जैसे मुद्रा योजना का लाभ मिला हो आपको, कुछ कोई योजना बड़ी योजना? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। महंगाई असर करती है कुछ? महंगाई असर क्यों नहीं करती है? कितना महंगा हो गया 15 साल के मुकाबले? आप महंगा क्यों नहीं हुआ? 30 रुपए किलो मटर आता था, 70-80 रुपए किलो मटर है। हर चीज का महंगाई बढ़ता है, सारी चीजें महंगाई में बढ़ गई जी। तो आप लोगों को जो पैसा मिल रहा होगा, यानी कि जो आप सामान बेच रहे होंगे, तो महंगा बेच रहे होंगे ना फिर? तो महंगा तो बिकेगा ना, तो ग्राहक भी उसी हिसाब से आ रहे होंगे जी। जी, तो कुछ आसानी हुई कि कुछ तकलीफ हुई महंगाई? तकलीफ तो कुछ नहीं हुई, जो महंगा आता तो महंगा बेच रहे हैं। क्या समस्या है आपके इलाके में, आपको कुछ पता है? समस्या हमको कुछ नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और क्या। महंगाई एक बड़ी समस्या है, महंगाई मुद्दा है आप लोगों के लिए जी। जी, वोट करने के लिए किसके बारे में सोच रहे हैं, कौन पार्टी अच्छी है, या किसका वादा आपको अच्छा लग रहा है? आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है, घोषणा पत्र पढ़ा है किसी का? जी नहीं। जैसे कांग्रेस कह रही है, मतलब इंडिया गठबंधन कह रही है कि अगर हम आएंगे तो हम महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो सब कह रहे हैं, लेकिन हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। करता कोई नहीं है, करता कोई नहीं है। जीतने के बाद में महंगाई बढ़ती जा रही है। अच्छा, राहुल गांधी बढ़िया प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नरेंद्र मोदी बढ़िया प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी भी बढ़िया है। राहुल गांधी? राहुल गांधी भी बढ़िया है, मगर काम तो वही कर रहे हैं। काम वही कर रहे हैं। सुहेल अहमद। सुहेल अहमद जी। सुहेल क्या करते हो आप? जी चिकन का दुकान कर। चिकन का दुकान चल रहा है। दुकान से कितना फायदा होता है आप? दुकान से क्या फायदा होता है, महंगाई इतना चरम पे हो गया है। क्या साल उम्र होगी तुम्हारी ये बताओ? 20 साल। 20 साल में दुकान करने लगे जी? पढ़ाई लिखाई नहीं की? रोजगार नहीं मिला तो दुकान ही तो करेंगे क्यों भाई? मोदी जी तो कहते हैं तमाम रोजगार बांट दिया उन्होंने, कुछ नहीं दिए। हाँ। कुछ नहीं दिए। सही रोजगार नहीं मिला? सही रोजगार नहीं मिला होता तो चिकन का काम क्यों करते, मुर्गा क्यों काटते? हम भी कभी कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नहीं मिला। आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है? हाई स्कूल। उसके आगे नहीं पढ़ाई की? उसके आगे नहीं। क्यों नहीं किया आपने? जब महंगाई और इतना पढ़ाई लिखाई में इतना पैसा लगता है, तब कैसे पढ़ाई लिख लेंगे? क्यों, कितने भाई बहन हैं? हम 5 भाई हैं, 1 बहन है। तब तो आप लोग पढ़ लिख सकते थे, बहुत बड़ा परिवार भी नहीं है जी।
तो फिर यहाँ पे कोई इंटर कॉलेज या इस तरह से कुछ है कि नहीं है? बहुत है इंटर कॉलेज, महंगाई। सरकारी है कि नहीं है? सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, कन्या इंटर कॉलेज, उसी में हम लोग पढ़े हैं। प्राइवेट सरकारी, सरकारी स्कूल कभी खोलने की बात नहीं आई कि आप लोगों ने नेताओं से नहीं कहा? जी नहीं। अच्छा, युवा हैं आप लोग, रोजगार कितना बड़ा मसला है आप लोगों के लिए? रोजगार तो एकदम सब बेकार है ना, रोजगार तो सब खत्म है, महंगाई के आगे सब खत्म है ना। महंगाई बड़ा मुद्दा, महंगाई बहुत बड़ा। क्या नाम है आपका, इधर आइए। मोहम्मद साजिद नाम है। साजिद, क्या करते हो आप? बिजनेस का काम कर रहे हैं, कपड़े वपड़े की, चप्पल के काम कर रहे हैं। चप्पल जूते का आपका दुकान है और कपड़े का दुकान है ना, उसी में साथ में? हाँ, उसी में एकदम टोटल कर रहे हैं। कितने की बिक्री होगी आपकी? बिक्री तो कोई महीने की, महीने की मतलब डेली का मतलब पूछे 4,000-5,000, कभी 12,000। कितना प्रॉफिट हो जाता होगा? अब प्रॉफिट क्या है, मतलब महंगाई ज्यादा तो प्रॉफिट तो कम होगा ना। अच्छा, मतलब आप सामान महंगा खरीदेंगे लेकिन मार्जिन आपको कम मिलता है, प्रॉफिट का मार्जिन कम मिलता है? जब मतलब सामान ही महंगा है तो मतलब प्रॉफिट, मतलब मार्जिन कहाँ से मिलेगा भाई? महंगाई की वजह से सामान तो बहुत महंगा है ना, तो मतलब नफा कहाँ गया? ये तो हमेशा रहा होगा ना। हमेशा कहाँ रहा होगा, मतलब इसी सरकार में महंगा है। मोदी जी ने GST लागू कर दिया व्यापारियों के लिए, कहा बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छा नियम कायदा है, इसमें आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। फायदा मिल रहा है उसका? आदमी सब भूखन मर रहे हैं, कहाँ से फायदा मिल रहा है इसमें? क्यों भाई, GST लागू है तो, मतलब बिजनेस, बिजनेस के सरलीकरण के लिए तो लागू हुआ, बिजनेस के तो लागू है, तो सामान महंगा है, मतलब जो है क्या नाम, कस्टमर लोग आते हैं, भैया महंगा है, हम मतलब नहीं खरीद पाएंगे, कैसे खरीद ले महंगाई इतना, कैसे खरीद ले सामान? कोई मतलब गरीब तबके का आदमी है तो क्या करे, वो कहाँ से वो सामान खरीदेगा? ये समस्या है आप लोगों की, महंगाई एक बड़ी समस्या है। आप युवा हैं, आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है? हम तो इंटर फाइनल है। इंटर पढ़ चुके हैं? हाँ, पढ़ चुके हैं हम। इंटर पढ़ चुके हैं, आपने कभी आगे की पढ़ाई करने का नहीं सोचा? अब BA में फॉर्म भर देंगे, दुकान कर रहे हैं, अगर दुकान करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? क्या खाएंगे, कोई मतलब ला कर दे देगा क्या मतलब हमको? क्यों, आपके घर में और लोग नहीं, आपके वालिद नहीं है तो कमाएंगे तभी तो खाएंगे, कमाएंगे तभी तो खाएंगे, मतलब भाई मतलब बिजनेस में मतलब वो बात ही कहाँ है ना। बिजनेस में वो बात नहीं है अब, कोई मतलब बाहर से कमा रहा है, कोई मतलब जो दुकान करके कमा रहा है, किसी तरीके से तो पेट तो चलाना है। तो सरकार किसकी अच्छी लगती है आप लोगों को? सरकार किसकी अच्छी लगती है? सरकार किसकी अच्छी लगती है, मोदी योगी जी की या अखिलेश और राहुल की? सरकार तो सभी अच्छी है। नहीं, सभी कैसे अच्छी हो जाएगी? आप कह रहे हैं एक तरफ महंगाई बढ़ गई, आप एक तरफ कह रहे हैं तमाम चीजें हो गई, गलत हो रही है। भाई जो महंगाई को घटा दे वही सरकार अच्छी है। तो आप पहली बार वोट करेंगे, मुझे लग रहा है आप पहली बार वोट करेंगे, तो क्या परिवर्तन करेंगे इस बार? हाँ, गठबंधन सही है। गठबंधन सही है, क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान, क्या करते हो तुम ये बताओ? मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कितनी की है? पढ़ाई में ग्रेजुएशन किया हूँ। ग्रेजुएशन की जी। कितनी साल उम्र हो? मेरा 20 है। पोस्ट ग्रेजुएट हो तुम? अरे पोस्ट ग्रेजुएट होकर बिजनेस कर रहे हो, क्या बिजनेस करते हो भाई? कपड़े का है, मोबाइल का है। तो बहुत प्रॉफिट होगा बिजनेस में तो? फिर बहुत ज्यादा क्या है, उतना मार्जिन है नहीं, उतना धंधा भी नहीं होता है, लोग अपना काम चलवा रहे हैं, बस काम चलवा रहे हैं। महंगाई बड़ा मुद्दा है, महंगाई मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ तो सब लोग महंगाई महंगाई है ही है, आपको भी लगता होगा? नहीं, हमें क्या लगता है तो बात की बात है। वो तो लगेगा ना महंगे, आप भी तो सामान खरीदते होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल, हम भी कपड़ा खरीदते होंगे, वो तो बात की बात, सब्जी खरीदते होंगे। भाई मैं तो कैमरे के आगे हूँ ना। जी जी जी, आपकी जिस समस्या में जानने के लिए आया हूँ। अच्छा, इधर हो जाइए, थोड़ा रास्ता दीजिए उन लोगों को। समस्या आपके यहाँ क्षेत्रीय क्या है? क्षेत्रीय समस्या जैसे अस्पताल है नहीं, एक है तो वो चालू नहीं है, अब बिजली चाहिए, पानी चाहिए, यही सब चाहिए। तो ये सब तो मोदी जी ने कहा कि बहुत अच्छा हो रहा है, अस्पताल तो बनवाए लेकिन चालू नहीं हुआ है। मोदी जी अस्पताल तो वो SP यादव ने बनवाया था, ये वाला अस्पताल। हाँ। तो चालू ये करवा देते, इन्हीं का नाम हो जाता है। हाँ। अब जो गवर्नमेंट है उसी का नाम लेंगे ना। अच्छा, 10 साल का कार्यकाल रहा नरेंद्र मोदी का, 7 साल से योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मुख्यमंत्री है, क्या समझते हैं आप लोग, कितनी अच्छा शासन काल रहा है इन लोगों? थोड़ा दूरी बढ़ा है। किस बात की दूरी बढ़ी है? दूरी बढ़ी है जैसे थोड़ा हिंदू मुस्लिम का मामला हर चीज में आ जाता है, रोजगार रोजगार का छोड़ के लोग इस पे ज्यादा अटक जाते हैं। मैं कई जगहों पे बात करता हूँ तो जो पढ़े लिखे मुसलमान बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो ये हर डिबेट में आप मेरी आप उठा के देख लीजिए, हर खबर में मेरी जो मैं डिबेट करता हूँ सड़क पे उतर के, उसमें ये लोग कह देते हैं कि दूरियां बढ़ी हैं। कैसे बढ़ी हैं, आप थोड़ा समझा पाइएगा मुझे?
जैसे अब इसको क्या समझाएं, अब माहौल जैसे माहौल पहले कैसा था, थोड़ा भाईचारा ज्यादा रहता था, अब थोड़ा है थोड़ी थोड़ी बात पे आदमी उलझ जाता है, जो बेकार की चीज है, मतलब हिंदू मुसलमान करने लगता हो जाता है। सब लोग नहीं करते, जैसे जो थोड़ा अनपढ़ है या कुछ भी कही, या नेतागिरी चमकाने के लिए, यही सब और क्या, नेतागिरी चमकाने के लिए बस, बस सब लोग थोड़ी वैसे हैं। अब हमारा मोदी ये कोई भरपाई कर पाएगा जो दूरियां बढ़ रही हैं? अब कर कह नहीं पाएंगे, नेता ही लोग कर पाएंगे। कौन से नेता को आप अच्छा मानते हैं? नेता तो सब बढ़िया है, नेता तो सब बढ़िया है, लेकिन अब जैसे राहुल गांधी को एक बार परिवर्तन मौका देना चाहिए, राहुल गांधी को एक बार परिवर्तन होना चाहिए। आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? इधर आइए भगिया ना, इधर आइए। क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश भाई क्या करते हो आप? किसानी का काम। किसानी कर रहे हो, तो आपकी आय तो दुगनी हो गई होगी? दुगनी क्या, खेत में गन्ना लगता है तो बहल्ला सब चल लेते हैं। बहल्ला चल लेते हैं, ये कैसी बात हुई भाई? पूरी रात वहाँ बहल्ला रखाते हैं, पूरी रात हसना बरदौलिया में हमारा खेत है, हसनापुर में 50-50 बहल्ला आती है, 50-50 बहल्ला आती है खेत में। अब रात को घर में सोए जनानी के पास कि वहाँ बहल्ला रखा। बहल्ला तो आप ही लोगों ने छोड़ा होगा ना, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं भाई उन्हीं लोगों ने छोड़ा होगा, तो इसमें सरकार दोषी कहाँ से? अब दोषी नहीं है तो फिर और नहीं, सरकार ने तो कहा गौशाला बनवा दिया, गौशाला आपके गांव में नहीं चलती है? गौशाला हमारे गांव में कहां है? गौशाला नहीं है गांव में, गौशाला नहीं है, नहीं है। तो खेती किसानी में कितनी समस्या आती है? ना हमारे वहां पानी का सुविधा है, भदवार में रहता हूं, ना पानी का सुविधा है, ना बिजली का सुविधा है, तंदुआ बाग इतना निकलते हैं कि इतनी टाइम जाओ तो तंदुए मिलेंगे रात में। हाँ तो दिनेश भाई, जिंदगी आसान हुई मोदी सरकार में, योगी सरकार में, या कठिन हुई? जिंदगी हमको तो खाली अखिलेश यादव के सरकार में है, बहुत बढ़िया जिंदगी अखिलेश यादव के सरकार में अच्छी है। तो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से इंडिया गठबंधन से जो है राम शिरोमणि वर्मा, राम शिरोमणि वर्मा को कैसा देखते हैं आप? हम तो बढ़िया देखते हैं, 5 साल वो क्षेत्र में नहीं रहे, लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं, आप ही लोगों से बात करता हूँ तो उसी में पता चलता है कि 5 साल तक वो क्षेत्र में नहीं रहे, क्या कहेंगे इस पे आप? अब भाई हम तो बढ़िया कहेंगे, आप बढ़िया क्यों कहेंगे? नहीं, आपके गांव में सड़क नहीं है जाने के लिए, सड़क वो चाहते तो बनवा देते, क्यों नहीं बनवाया उन्होंने? कभी आप लोगों से पूछने आए? कोई दिक्कत? कोई नहीं पूछने आता है, उसका तो अभी भी वोट लगा हुआ है भदवार में कि वोट नहीं डालेंगे, लगा हुआ है, देखे होंगे आप, भदवार में लगा है कि वोट नहीं डालेंगे, जब हमारा काम ही नहीं होता है तो वोट कहाँ डालेंगे? काम नहीं होता है तो वोट नहीं डालेंगे। इस तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट बदलनी चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है। अब ये कितना सही है कितना गलत, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा जब नतीजे आएंगे, किसकी सरकार बनती है किसकी नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते हैं या नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से तीसरी बार ताजपोशी होती है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए।